नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज पर। मैं आपके साथ विजय यादव। देश में फैल रही कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री 130 करोड़ जनता से सहयोग मांग रहे हैं, तो वहीं कुछ स्कूल कॉलेज प्रबंधकों को बच्चों की फीस न लेने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन यह प्राइवेट स्कूल सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में स्थित ब्रेंज रेनबो प्ले स्कूल में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बावजूद इस स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल पर बच्चों की फीस जमा करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। साथ ही फीस जमा करने के लिए अकाउंट नंबर भी साथ दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों की फीस जमा करनी है। यदि पेरेंट्स बच्चे की फीस जमा नहीं करते तो बच्चों का स्कूल से नाम तक काटने की धमकियां दी जा रही हैं। यानी साफ तौर से मेरठ के प्राइवेट स्कूल सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। स्कूल से फीस जमा करने के मैसेज आने पर बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि शहर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है, जिसके कारण उनका सभी व्यापार बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण उनके सामने ऐसे हालातों में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिससे वो अपने बच्चों की फीस जमा कर सके। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम टीना है। बस यही कहना चाहूंगी कि इस मुश्किल की घड़ी में जो ये फीस वगैरह का इन्होंने मैसेज देना रात से हम लोगों को शुरू करा है, तो इस समय आप लोग खुद जानते हैं कि हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरे करने में लगा हुआ, क्योंकि कुछ धंधे नहीं चल रहे हैं। जैसी इंडस्ट्री सब बंद हैं, कपड़े की, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सब बंद है इस समय, तो कोई किस तरीके से अपना ये खर्चा उठा रहा है वो आप सब जानते हैं। मैं योगीनाथ जी से कहना चाहूँगी कि बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि आप इसके लिए अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करें, और ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इनके स्कूलों के बच्चों के, उन पर कुछ कार्रवाई करें। कि स्कूल की तरफ से यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द फीस पे कर दीजिए, बच्चे का नाम और ऐसा उनका बैंक अकाउंट नंबर सब दे रहे हैं वो कि अपना फीस पे करें, और मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज जल्द से जल्द कन्वे हो उनकी तरफ और हमें दोबारा मैसेजेस अब स्कूल से ना आए। लॉकडाउन हो रहा है, किसने समस्या इस तरह की लेकर पड़ी है और लगातार वो मैसेज करके आपको कह रहे हैं, तो क्या शिकायत करना चाहते हैं डीएम से? हम यही शिकायत करना चाहते हैं कि आगे ये मैसेजेस अब दोबारा नहीं आए। फीस की शिकायत को आप जो कर रहे हैं, क्या शिकायतें हैं और कब आपके पास मैसेज आ रहे हैं? देखिए, मेरा बेटा मेरठ के ही एक स्कूल के किंडरगार्डन स्कूल में पढ़ता है, और भी हमारे फैमिली के और भी बच्चे हैं जो अन्य स्कूल्स में पढ़ते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि बाकी स्कूल से अभी तक कोई मैसेज फीस को लेकर नहीं आया, जिसकी हमें उम्मीद है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरठ में कई सारे स्कूल हैं जो बहुत इस कठिन जो समय है उसमें बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। लेकिन ये किंडरगार्डन स्कूल है, उसके से बच्चों के फीस के लिए लेकर कल से मैसेज आ रहा है। छोटे बच्चे जो कि नर्सरी में पढ़ते हैं, 3-3 साल के बच्चे हैं, जिनको फेसबुक के माध्यम से बताया जा रहा है आप A to Z करा लीजिए या 1 to 10 करा लीजिए। बहुत ऑब्वियस है, 3 महीने की छुट्टियों में हम थोड़ा बहुत हम लोग करवाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट्स आ रहे हों या कोई वीडियो चैट चल रही हो, तो उसके अलावा। लेकिन आप प्रॉपर फीस की मांग कर रहे हैं, तो आप फीस की मांग किस बेसिस पर कर रहे हैं?